बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन को अदालत से बड़ी राहत मिली है। एक झूठे मुकदमे में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, बिहपुर के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र समेत चार को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है और इनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को भी अदालत ने झूठा करार दिया है। मामला 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। चुनाव में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी कर रहे तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी अरशद फिरोज ने 15 मार्च 2009 को नौगछिया के झंडापुर में पेट्रोल पंप के पास स्थित एक पान की दुकान में शाहनवाज हुसैन और विधायक इंजीनियर शैलेंद्र की तस्वीरों का पोस्टर टंगे होने का केस दर्ज कराया था। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के इस मामले में पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन और विधायक शैलेंद्र के साथ पान दुकानदार दिव्यांग मंटू कुमार मोदी और व्यास मिश्र को भी आरोपी बनाया गया था। सैयद शाहनवाज हुसैन के वकील ने कहा कि करीब 14 साल तक चले इस झूठे मुकदमे की वजह से हमारे मुवक्किल को धन और वक्त की बर्बादी का नुकसान झेलना पड़ा है, साथ ही अनावश्यक मानसिक परेशानी भी हुई है। चौदह साल पुराना केस था। 2009 में एक सरकारी अफसर ने झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया और आज उसमें माननीय अदालत ने हम चारों लोगों को उससे बाइज्जत बरी कर दिया और कोई साक्ष्य बिहार सरकार दे नहीं पाई। बिहार सरकार की तरफ से केस था और बिहार सरकार 2009 में जो तत्कालीन वीडियो थे उन्होंने एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया। 14 साल कोर्ट में हम लोग दौड़ते दौड़ते चप्पल घिस गए, इतनी बार आए, लेकिन जब भी अदालत ने बुलाया कानून का हमने सम्मान किया और आज सच्चाई की जीत हुई है। हमारे साथ जो दिव्यांग हैं इनके यहाँ कोई कैलेंडर नहीं लगा हुआ था, फिर भी इनको परेशान किया गया। 37 दिन तो ये जेल में रहे क्योंकि इनको नोटिस नहीं मिल पाया था और हम व्यास मिश्रा जी और मंटू मोदी जी और इंजीनियर शैलेंद्र जी, बिहपुर के लोकप्रिय विधायक, उन चारों लोगों को आज अदालत ने। मोतिहारी मामले पर सीआईडी के एडीजी जितेंद्र कुमार ने कहा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया और प्रशासन ने डोर टू डोर कैंपेन भी चलाया। कुल 6 लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया और अभी 25 इलाजरत हैं। उन्होंने आगे बताया कि 5 केस दर्ज कर 25 लोगों पर कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, जिला पुलिस ने शराब के कारोबार में संलिप्त 128 लोगों को गिरफ्तार किया है और अभियान में 917 लीटर देशी शराब, 10 लीटर विदेशी शराब बरामदगी के साथ कई पुलिस प्रभारियों को भी गिरफ्तार किया है। 50,000 रुपये के घोषित इनामी रोहित यादव की गिरफ्तारी की गई कलकत्ता से। इसके ऊपर जो है 50,000 का इनाम था और इसके पास से जो है 10,00,000 रुपये बरामद किए गए। समस्तीपुर में जैसा आप जानते हैं कि पिछले महीने में कुछ बैंक की घटनाएं हुई थी, बैंक शाखाओं में, ग्रामीण बैंक शाखाओं में लूट की, उसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, उनका उद्भेदन कर लिया गया है, 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और उनके साथ लूट के 20,23,000 रुपए बरामद हुए हैं और साथ में हथियार भी बरामद हुए हैं। नालंदा के कतरीसराय में नौ साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है क्योंकि ठगी किए जाने की जो है सूचना मिली थी, विशेष टीम ने जो है इनकी गिरफ्तारी की है। इन 9 में से एक जौनपुर का भी रहने वाला है और इनके पास से 40 मोबाइल, 1 टैब आदि जो है बरामद हुए हैं और फर्जी सिम के माध्यम से ये लोग किसानों को फ़ोन कर सोलर पंप के लिए ऋण दिलाने का प्रलोभन देते थे और प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर उनसे ठगी किया करते थे।